सीरियल तुझसे है राबता की कल्याणी की आंखों में कभी आंखें डाल के देखी आपने? उसकी आंखों में तो सिर्फ ममता ही दिखाई देती है ना, लेकिन अब उसे अपना बेटा मिला या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो उसकी आंखें भर आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मल्हार बना बाहुबली, बाल बाल बची पिल्लू की जान, सिंघम मल्हार और कल्याणी की एक्शन पिक्चर, जी टीवी के सीरियल तुझसे है राब्ता में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई बहुत सारी खोजबीन और परेशानियों के बाद आखिरकार मल्हार और कल्याणी का लाडला मोक्ष मिल ही गया। असल में मल्हार की पूरी फैमिली तुलसी पूजा के बाद उसे विसर्जित करने नदी पर आई, जहां विसर्जन के दौरान कल्याणी को हुआ शक और उसने तुलसी के पूरे घट को पानी से खींचना शुरू कर दिया। कल्याणी को ऐसा करता देख मल्हार भी बिना वक्त गवाए उसकी मदद करने में जुट गया और इस तरह मल्हार और कल्याणी ने मिलकर तुलसी के घट को पानी से बाहर निकाला। और जब वो घट खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि घट के अंदर उनका बेटा मोक्ष था। मोक्ष को सही सलामत पाकर कल्याणी और मल्हार ने चैन की सांस ली और सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। भाई मोक्ष तो सही सलामत मिल गया, लेकिन उसे पाने में जो मेहनत कल्याणी और मल्हार को करनी पड़ी, चलिए अब उसका जिक्र करते हैं। दरअसल मोक्ष को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मल्हार का सौतेला भाई अहीर ही है, जिसने मोक्ष को छोड़ने के बदले कल्याणी से मांगे थे 2 करोड़ रुपए। हमें ना तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन मल्हार और कल्याणी ने पीछा करते हुए अहीर को पकड़ लिया और अहीर को देखते ही फूटा मल्हार का गुस्सा और फिर दोनों भाइयों के बीच शुरू हुई लड़ाई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। लेकिन इस लड़ाई में अहीर मल्हार और कल्याणी को घायल करके एक बार फिर से फरार हो गया। भाई फिलहाल तो अहीर भाग गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मल्हार और कल्याणी को अपना पिल्लू मिल गया है। लेकिन मल्हार अहीर को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, वो उसे पकड़कर उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर दिलाएगा। आज तक ब्यूरो।